दोस्तों, मैंने 7 महीने पहले मी पैड 5 सीरीज़ के स्पेक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और उस वीडियो पे आज तक ये कमेंट आता है कि भाई ये टैब इंडिया में कब तक लॉन्च होगा या फिर हम इसे कैसे दूसरी कंट्री से जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन शॉमी की तरफ से इसके इंडियन लॉन्च को लेकर अभी तक किसी भी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। बट टैब इंडस्ट्री के रिगार्डिंग लेनोवो की तरफ से एक न्यू गेमिंग टैबलेट लेनोवो लीजन Y700 को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाइप और न्यूज़ देखने को मिल रहा है, जहाँ इस अपकमिंग टैबलेट के रिगार्डिंग सारे स्पेक्स और फीचर लेनोवो की तरफ से इसकी चाइनीज़ वेबसाइट पर ऑफिशियली डाल दी गई है, जो कि ये टैब 28 मार्च को ग्लोबली लॉन्च कर दिया जाएगा। और इस टैब के इंडियन लॉन्च की प्रोबेबिलिटी भी काफी ज्यादा है, क्योंकि लेनोवो अपने सारे ही टैब सीरीज को इंडिया में लॉन्च करता है, जैसे लेनोवो टैब पी, एम और योगा सीरीज। और क्योंकि काफी सारे टैब लवर्स और बायर्स मी पैड 5 सीरीज के इंडियन लॉन्च का डेस्परेटली से जो है वेट कर रहे हैं, जो कि स्नैपड्रैगन 870 के साथ आता है, तो इसी टाइम पे जो है लेनोवो के इस टैब को इंडिया में लॉन्च करना जो है काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जहां लेनोवो के इस टैब के अंदर भी हमें स्नैपड्रैगन 870 देखने को मिलेगा और लेनोवो ने इसे जिस प्राइस रेंज में चाइना में लिस्ट कर रखा है ये और भी ज्यादा एक्साइटिंग है, जहां स्नैपड्रैगन 870 के साथ आने वाला ये टैब इंडिया में हमें 20,000 के अंदर देखने को मिल सकता है। सो आज के इस वीडियो पे हम लेनोवो के अपकमिंग लीजन Y700 के सारे ऑफिशियल स्पेक्स और फीचर के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से लेनोवो का ये न्यू अपकमिंग टैब मी पैड 5 सीरीज को जो है कंपीट करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। तो डिजाइन वाइज ये टैब आपको काफी हद तक सिमिलर देखने को मिल सकता है Xiaomi के मी पैड 5 सीरीज के तरह, जो कि मेटेलिक फिनिश के साथ आता है, जहां फर्स्ट लुक के मामले में ये टैब आपको प्रीमियम और हैंडी फील होगा। जहां इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो यहां आपको जो है एक ही डिस्प्ले साइज का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि 8.8 इंचेस, बट वहीं हमें मी पैड 5 सीरीज के अंदर 11 इंचेस तक का जो है डिस्प्ले साइज का ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन गेमिंग के मामले में 8.8 इंचेस का डिस्प्ले साइज काफी सही ऑप्शन है। इसके बेस वेरिएंट के अंदर आपको फुल एचडी प्लस और हायर वेरिएंट के अंदर 2 से 2.5K का जो है डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, जो कि कंटेंट कंज्यूमिंग के लिए काफी सही ऑप्शन रहने वाला है। जहां इसके डिस्प्ले टाइप की बात की जाए तो यहां आपको तीनों ही वेरिएंट के अंदर एलसीडी पैनल का यूज किया गया है, जो कि 500 निट्स के डिस्प्ले ब्राइटनेस के साथ आता है। बात करें इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, तो आपको इसके टॉप में एक 3.5mm का जैक देखने को मिल जाएगा। टॉप और बॉटम को मिलाकर डुअल स्पीकर जो कि JBL ट्यून की है, और बॉटम में आपको एक टाइप सी कनेक्शन देखने को मिलता है। इसके राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप और डाउन बटन, पावर बटन, माइक और एक अलर्ट स्लाइडर भी देखने को मिलता है। और इसके लेफ्ट साइड में मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जहां पे आप मेमोरी कार्ड के थ्रू जो है स्टोरेज को एक्सपेंड कर पाओगे। लेनोवो का ये न्यू गेमिंग टैब 375 ग्राम के वेट के साथ आएगा, जो कि 7.9mm थिक होगा, यानी आप इस टैब को जो है सिंगल हैंड भी आसानी से यूज कर पाओगे। दोस्तों, बात करें इसके कैमरा और बैटरी के बारे में, तो यहां आपको इसके बैक में सिंगल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि 13 मेगापिक्सल का होगा। और बात करें इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहां पे जो है 8 मेगापिक्सल के सेंसर का यूज किया गया है, यानी कैमरा ऑप्शन के मामले में ये टैब जो है डिसेंट आने वाला है। बात करें इसके बैटरी और चार्जिंग के बारे में, तो यहां आपको इसके तीनों वेरिएंट के अंदर 6550mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि 45W के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा, और ये फास्ट चार्जर भी आपको इनबॉक्स कंपोनेंट के साथ देखने को मिलेगा। बात करें इसके चिपसेट या प्रोसेसर के बारे में, तो इस टैब के सारे वेरिएंट के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 870 देखने को मिलेगा, यानी गेमिंग या मल्टीटास्किंग के मामले में ये प्रोसेसर अपने प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग काफी हद तक एडोरेबल है। वहीं हमें मी पैड 5 सीरीज के अंदर भी यही चिपसेट देखने को मिलता है, बट इसका स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 2,000 युआन है, जो कि इंडियन करेंसी में 24,000 है। लेकिन वहीं आप लेनोवो के इस टैब को स्नैपड्रैगन 870 के साथ 20,000 के अंदर ही जो है ग्रैब कर सकते हो, बट इसके एक्चुअल प्राइसिंग के बारे में जो है हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। दोस्तों, बात करें स्नैपड्रैगन 870 के एंटीटू स्कोर के बारे में, तो ये स्कोर अराउंड 6.5 लाख है, जहां पे आप BGMI और CS:GO जैसे गेम्स हाई ग्राफिक और हाई फ्रेम रेट पे जो है आसानी से खेल पाओगे। वहीं आपको इसके अंदर जो है 8 कोर तक का सपोर्ट देखने को मिलता है। बात करें इसके कुछ सेलेक्टेड फीचर्स के बारे में, तो यहां आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें इसके UI के बारे में, तो आपको इसके अंदर जो है लेनोवो का Z UI 13 देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको HDR 10+ का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहां पे आप HDR कंटेंट आसानी से इंजॉय कर पाओगे। वहीं अगर हम बात करें इसके ब्राइटनेस के बारे में, तो आपको इसके अंदर जो है 500 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको जो है Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 का कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें इसके रैम और स्टोरेज के बारे में, तो यहां आपको जो है LPDDR5 रैम ऑप्शन और UFS 3.1 का स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलता है। और क्योंकि ये गेमिंग टैबलेट है, तो आपको इसके सारे वेरिएंट के अंदर जो है 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। दोस्तों, बात करें इसके ऑफिशियल चाइनीज प्राइसिंग के बारे में, तो लेनोवो का ये टैब आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। वहीं आप साइड बाय साइड मी पैड 5 सीरीज के प्राइसिंग को भी कंपेयर कर सकते हो, तो आपको लेनोवो के इस टैब का बेस वेरिएंट 6128GB 13991 के अराउंड में देखने को
मिलेगा जो कि इंडियन करेंसी में 16,000 के अराउंड में है। इसके मिड वेरियंट की बात की जाए 8/128 GB, ये आपको 24991 के अराउंड में देखने को मिलेगा जो कि अगेन इंडियन करेंसी में 13,000 के अराउंड में है। और इसके सबसे हायर वेरियंट की बात की जाए 12/256 GB, ये आपको 27991 के अराउंड में देखने को मिल जाएगा जो कि अगेन इंडियन करेंसी में 33,000 के अराउंड में है। तो दोस्तों अब तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि Mi Pad 5 सीरीज कॉस्टली है एज कम्पेयर टू Lenovo Legion Y700। मतलब ये देखना है कि Lenovo का ये न्यू टैब इंडिया में कब तक लॉन्च होता है, बट कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग इसके चाइनीज लॉन्च के कुछ वीक्स बाद जो है ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है। और अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है तो आप इसे बाय करने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, या फिर आप इसे किस पर्पज़ के लिए जो है बाय करना चाहोगे, ये आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्यूरीज हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह के और भी कंटेंट देखने के लिए। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।